ओके गाइस, सो गाइस वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट व्लॉग और शेल, बिकॉज आफ्टर रुक जाओ यार। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड आज के व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, बिकॉज ये व्लॉग मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आफ्टर माय रोडीज जर्नी। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरी स्किन टैन जो है बहुत हद तक जा चुकी है, ये कालू मतलब जा रही है। अभी हम जाने वाले हैं रोडीज के कुछ कंटेस्टेंट से मिलने हैं, और हमारे साथ हमारे पार्टनर इन क्राइम अवेलेबल है जैसा कि आप देख सकते हो। Always here for you, bitch. Yes, so she is here, और हम दोनों जा रहे हैं साथ में सचिन भाई के घर। And hopefully ये रिकॉर्ड complete. And अभी ये व्लॉग hopefully आपको एंड तक देखने को मिलेगा अगर मैं एंड तक इसे कंप्लीट कर पाया तो। And एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज है, बहुत ही जल्दी आप देख सकते हो मुंबई में घर मिलने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है। तो इसी के साथ हमने घर देख लिया है, एंड कहीं ना कहीं 50% वो चीज लॉक हो चुकी है, एंड बहुत ही जल्दी हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आएगा एक हमारा होम टूर व्लॉग, और उस व्लॉग को भी हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। गाइस आई होप गाइस आर एक्साइटेड, एंड हम अभी चलेंगे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सचिन के घर। चलो तो हम सब हो गए रेडी जाने के लिए। क्या एक्साइटमेंट चाहिए जिंदगी में। सेल्फ ऑब्सेशन की भी हद होती है, देख नहीं सकते खुद को इतना खूबसूरत। लव इट, लव इट। चलो यार चलते हैं, चलो अब हम करेंगे ड्राइव। कॉपीराइट लगेगा ना, तुम्हारी इतनी खूबसूरत आवाज भी नहीं है कि कॉपीराइट लगा दे वो लोग। भाई मेरी आवाज इतनी खूबसूरत है ना कि एक दिन ये लाल ये शेर गाएगा गाएगा गाने निकालेगा एल्बम पे। तुम्हें कैसा लग रहा है रोडीज की जर्नी के बाद? अरे एक नंबर मजा आ गया स्वाद आ गया स्वाद। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार बहुत अच्छा था यार, मतलब हम तो यही कहेंगे यार कि क्या बज रहे हो यार, ये क्या हो रहा है। हाँ तो हम यही कहेंगे कि भाई जिसके पास भी मौका है और उसे लगता है कि उसके पास टाइम है और वो रोडीज की जर्नी करना चाहता है एक्सपीरियंस, तो प्लीज जरूर करना। अपने प्लान को बिल्कुल चेंज मत करना, बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे 60 साल के हो जाओगे, जो आपके पास कोई कहानी नहीं रहेगी सुनाने के लिए, तो आप अपने पोते पोतियों को रोडीज की कहानियां सुना सकते हो और वो आपको बहुत कूल समझेंगे, ट्रस्ट मी। तो तुम अपने बच्चों को अपनी कहानी सुनाओगे रोडीज की? क्या बोल रही हो? अपने बच्चों को अपनी कहानी सुनाओगे? हम तो भाई अभी बहुत ऐसी चीजें करेंगे जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इतनी कहानी आओगी सुनाते रहेंगे। तो बच्चे पागल हो जाएंगे। और बोल रहे कुछ नहीं, बाय बाय। 22nd बंद है वो, आई थिंक एलिवेटर गड़बड़ है। राउंड 1 फाइट। नहीं अभी हार रही हूं। 3 को ना सीधा रुक जाओगे, पहले बैटर रुक जाओ, लगा दे इसको एकदम सीधा रुक जाओ। चलो आशिका जीतनी चाहिए भैया, जो पकड़ना है पकड़। ए बॉय राउंड 2 फाइट। स्ट्रांग है, चलो पास। तो हार हर जगह ही रोनी जाके टास्क की करते, बस सही है, हिल भी नहीं रहा बंदा। फाइनल राउंड फाइट। मैं भी करूंगा, रुको रुको रुको, तू तो हारा हुआ है पहले भी, छोड़ दे तू। पहले भी हार चुका है तू, क्या ही क्या बात है वाशु, पहले हार बाबा डांस में सचिन अपनी उंगली जला देगा यार ऐसे करके। लपू तो सचिन भाई, प्लीज थोड़ा बताओ आपने भाभी को पसंद किया था या भाभी ने आपको पसंद किया था? मेरी शक्ल देख के लग रहा है मैं पचास साठ लड़की आया है, 50-60 लड़की
नेक्स्ट इनसाइडर तारा भाई जोगिंदर क्या हुआ क्या हुआ आगे थे किसने घुसा मारा है सचिन बाबा आपके रहते आकृति पे कोई हाथ उठा दे रहा है यार यार भाई जोगिंदर का करियर बना देगा ना भाई हमें अपने शरण में ले लो भाई तुम चलो भाई मजा आ गया भाई चलो भाई आ जाओ यार तुम लोग आ जाओ भाई इधर से आ जाओ तुम लोग मैं भी था पहला दूसरा एपिसोड देखना अरे यार अभी तो तुम्हारा दिखेगा यार अभी टेलीकास्ट का भाई देखो हम लोग रोडी है एकदम बढ़िया भाई चलो जी ऋषभ भाई का सबसे बड़ा क्या बात ऋषभ बाबा एंड और विन सही है चलिए टेक्निकली हमने आज एक सरप्राइज ब्लॉग शूट कर लिया है और जैसे कि हम लोग रोडी हम लोग एलिवेटर नहीं लेते हम लोग स्टेयर से आते हैं और हसन मेरे को पहले भी लिखा आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल पे हमारे बोलना चाहूंगा कि ऋषभ भाई को बहुत सारा प्यार दो और फॉलो करो सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट फाड़ दो अपने ऋषभ भाई एक नंबर इंसान है जितना आप लोग उतना कम अरे भाई बाजार बुलाएगा क्या भाई मैं दो शब्द नहीं पूरी 30-40 किताब लिख सकता हूँ ऋषभ भाई इतने प्यारे इंसान दिग्विजय भाई हमारे चैनल की ऑडियंस से क्या बोलना चाहोगे भाई ऑडियंस को नहीं पहले तो देखो बोलना चाहूंगा सॉरी उधर को पता है किस लिए तो आगे पता लगेगा बाकी ऑडियंस को ये बोलूंगा कि शो जरूर देखें अरे यार भाई पर आप अपना आपको प्रूव कर सकते हैं ऋषभ भाई से बोला ना मैंने 110% भाई जरूर आइए और जोगिंदर भाई चलो हारा भाई चलो दिल से खेलो बढ़िया जोगिंदर भाई ये वीडियो 25 मिलियन गर जाना हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट व्लॉग और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि रोडीज के आने के बाद प्रोबेबली ये व्लॉग होगा मेरा पहला वैसे इसके पहले मैंने एक और व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया एंड यस कल था सचिन भाई का बर्थडे और मैं वहां नहीं जा पाया तो अभी हम जा रहे हैं एक गेट टुगेदर करने छोटा सा और वहां पे कुछ बहुत ही स्पेशल सरप्राइज भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली प्राणी मीडिया यानी जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये मेरा हेयर स्टाइल के साथ कुछ अलग सा हुआ है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी है कि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया था तो उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर था कि वो जो लड़का है वो बहुत ही ऐसा यू नो कूल डूड टाइप से तो उसका हेयर स्टाइल कुछ ऐसा दिखेगा तो यस्टरडे अभी कल के दिन ही मैंने ये लुक टेस्ट करा है एंड होपफुली अगर वो प्रोजेक्ट लॉक हो गया सो आई विल गिव यू द न्यूज़ रियल सून तो अभी हम जाएंगे सारे शूट करेंगे कौन कौन होने वाला है वो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा एंड अगैन देख सकते हो मेरा पुराना घर मुंबई का अभी मैं मूव करने वाला हूँ अपने नए घर में एंड बहुत ही जल्दी आपको मैं होम टूर भी दूंगा अपने गाइस आई एम रियली एक्साइटेड एंड होपफुली आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे जिस से मैं आपको मिलाने वाला हूँ गाइस लास्ट तक ये व्लॉग देखना एंड हम सब करने वाले हैं बहुत ज्यादा मस्ती एंड करेंगे कुछ बहुत ही स्पेशल कॉन्टेंट क्रिएट सो गाइस हम सब आ गए स्टूडियो और यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ मच चुकी है स्टूडियो में पूरा का पूरा रोडी गैंग इन द हाउस सबके सब आज बनेगा व्लॉग हिमांशु भाई आ जाओ फिर से गले मिलो फेक गले मिलेंगे 2-3 बार आकृति हाँ मुझे वोट आउट करके शर्म नहीं आती अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में मुझे वोट आउट किया यार ये सब चीज डिस्क्लोज नहीं करना है भाई इसको बोलो यार डिस्क्लोज नहीं करना है यार क्या हमें वोट आउट कर दिया तो उसको अबे नहीं डिस्क्लोज करना किसी को नहीं पता तुम आ भी रही हो मुझका बोल रहा है कि वोट आउट में तुम्हें नहीं किया हम लोग तो दोस्त है पक्के दोस्त हम लोग पक्के दोस्त थे हम लोग एकदम प्यार से रहते थे एक दूसरे को पप्पियां लेते रहते थे पप्पी जप्पी एकदम एक नंबर और आकृति वाइल्ड कार्ड बिल्कुल भी नहीं है ये देवंत से सेलेक्ट हुई है और वीर तुम्हें घुटने में चोट बिल्कुल नहीं लगा है नहीं नहीं चोट लगते हैं नहीं नहीं मैंने अभी अभी सचिन भाई को बोला है कि जो स्टेप्स है थोड़ा इजी रखना क्योंकि नहीं सच में लगे हुए हैं और आप सभी को बता दें
दिग्विजय को इतना अच्छा खेल रहा था कि हम लोग उसे एलिमिनेट ही नहीं कर पाए, तो दिग्विजय ने कहा कि आप लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो मैं इस शो को क्विट करता हूँ। और नहीं ये नहीं पता, ये बता ही नहीं सकते ना यार, इतना डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नवीन भाई कैसा लग रहा है? किसी को मत बताना कि आप वाइल्ड कार्ड में आए थे। ये पहले डल के ना तुझे मारूंगा। सो मैं बहुत बड़ा फैन हूं ऋषभ भाई। ऋषभ भाई अरे यार भाई एक बार प्लीज आपके साथ वीडियो मेरा देखो, मजे देख लो, मजे नहीं, मजे नहीं, मेरा बचपन का सपना था कि मैं आपसे मिलूं। मैं देखना चाहता था कि हाइट कितनी लंबी है हमें पता। अभी बट ये है ना, है 4 इंच का, ये देखो लिटरली 4 इंच का है। इसके कारण मैं थोड़ा लग रहा हूँ भाई की आंख तक आ रहा हूँ, नहीं तो मैं यार मुझे कौन पूछेगा मुझे। और ये बताओ इस चश्मे का क्या बेनिफिट है भाई? भाई ये चश्मे का ये बेनिफिट है, गांधी जी को याद करो और कुछ नहीं, इंडिया में रह के चाइनीज दिख सकते हैं, क्योंकि मैं चाइना से चुरा कर लेकर आया था। अच्छा अच्छा, हमारे गुजराती में एक चीज है, मेड इन चाइना पर ही रिपेयर चाइना। क्या उसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि चाइना की चीज अगर एक बार टूट गई तो उसे रिपेयर नहीं हो सकती। ओ, तो तभी तो यार कंटेंट लोग शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिस्कशन ज्यादा हो रहा है, कंटेंट कम शूट हो रहा है। वाशु गैंगरिया और गैंग प्रिंस दोनों ही टीम सोलो प्लेयर साले साले पड़ गए पहले भाई, नाम नहीं लेना भाई किसी और का, ऋषभ 2 करोड़ पे भरेगा। बैंक में है ही नहीं, भरेंगे क्या? मेरे को ले लो फ्री में। बैंक में है ही नहीं भाई, क्या भरोगे? झोला उठा के चल देंगे, झोला उठा के चल देंगे। हाँ भाई गैंग गौतम प्रिया रॉक्स गैंग प्रिया नहीं सही है भाई, नाइस शेड भाई, नाइस शेड। किसने दिया भाई? ये प्रिंस भाई ने। और कुछ डिस्क्लोज करना है तो वापस कर दे उनको। ये प्रिंस भाई ने दे दिया, दिल के 2 हिस्से होते हैं, आधा एक तो प्रिंस भाई ने, आधा रिया मैम ने दे दिया, जुड़ गए बस बस। देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे अभी सबसे सीरियस बंदा, सबसे खतरनाक बंदा कंटेंट को लेके, सोचता है कंटेंट ही जीता है। अरे नहीं, और ये हमारे स्मार्ट भाई, एक और आ गए हमारे स्मार्टेस्ट इंसान। हेलो 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 हेलो, बहुत जल्दी ये बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं भाई। देखो देख 35 लोग रहे हैं और लाइव भी 35 लोग जा रहे हैं। वाह भाई, कोई 35 लोग देख रहे हैं यार। अरे यार बेइज्जती भी कराओ यार, ऐसा कराओ कि मजा आए थोड़ा। गाइस पूरे स्टूडियो में फसड़ मच चुकी है, जैसा कि मैंने बोला था सब के सब लाइव हैं, 8-10 लोग एक ही जगह पे लाइव से जा चुके हैं। आई एम मेकिंग व्लॉग और भाई भी हमारे लाइव हैं, तो हसन भी लाइव है, ये जोगिंदर भाई तो लाइव ही लाइव है कई घंटों से, और सब लोग लाइव। ओके प्रिंस सर इज हियर गाइस, सब लाइव जा चुके हैं। छोटा सा अकाउंट है भाई, आप लोग अच्छा। हम लोग यहाँ आए हुए हैं प्रिंस सर के गाने टिकटी की रात के प्रमोशन करने, फटाफट से हम सब करेंगे सेटअप और करेंगे आज के इस व्लॉग को समाप्त। अरे सचिन बाबा परेशान परेशान लग रहे हो, क्या बात है? काम पे वापस आ गए, काम बैक टू वर्क। इतना ही प्यार क्या आप लोग का शो पे होता? इतना ही प्यार, इतना ही प्यार, इतना प्यार था कि नाम ही लिख दिया सीधा। बस इतना ही प्यार होना चाहिए। वो आकृति और आप ट्विनिंग कर रहे हो क्या? नहीं ऐसा लग तो रहा है, ऐसा लग तो रहा है। अरे पहन लिया यार ऐसी। दाल में कुछ काला है क्या? नहीं पूरी दाल काली है, पूरी दाल ही काली है। अरे यार बटर चिकन लगाओ यार, दाल नहीं खाना, बटर चिकन। ओ चला ब्रो, ओ सिस्टम। ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ, अपने हाथ कैसे मोड़ देता है, वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके भाई, ऐसे मत प्लीज यार, कंटेंट है भाई, दोबारा बना सॉरी सॉरी भाई, 3.5 मिनट तक कंटिन्यू कुछ करते रहना। गजब बेइज्जती है। 3.5 मिनट चलो चलो, क्या बोलते बॉन ब्रेकिंग चलो तोड़ दी हड्डी का, स्टार्ट होगी। तो गाइज आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी वीडियो है, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलाना चाहता हूँ, अगर आप उसका टैलेंट देखोगे ना आपके पैर के नीचे जमीन घिसक जाएगी, और ये मैं दिल से दिखाना चाहता हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है हर्षल।
नहीं, टेक नंबर 357 चलो। मजा आने वाला है, बहुत तगड़ी वीडियो बनाने वाला है। कल भाई तुम लोग बहुत मजा लिए हो भाई। आप आए नहीं ना यार, आप तो भाई का वेट कर रहे थे। भाई कुछ नहीं है, अरे ये देखो इधर रोमांस चल रहा है भाई। ये देखो ट्विनिंग करके लव बर्ड आ गए हैं, रोमांस भी कर रहे हैं। चलता है, सही है, सही है भाई, कम बैक अच्छा है तुम्हारा। मेरे 12,000 टोटल फॉलोअर हो गया आज लाइव पे, टोटल 12,000 लोग आके देखे भाई, सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो मेरे को और इन भाई को, इन सबको भी करो, लेकिन इनको और इनको थोड़ा ज्यादा करो, हमें थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करनी है भाई। कोई केक, केक दो यार, केक इम्पोर्टेंट है भाई। ये बचा कैसे है सर, दूसरे केक पे मारना था, सही बचा यार। चलो।